इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने लावा के मोबाइल फोन में एक सेटिंग देखने को मिल रहा है ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग का, तो दोस्तों ये सेटिंग क्या होता है और इसका क्या यूज होता है, इसे ऑन कैसे किया जाता है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। चलिए यहाँ पर वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सेटिंग मिलता है कैसे और कहाँ पर। जब आप अपने लावा मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे, फिर आप यहाँ नेटवर्क एंड इंटरनेट पर क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे और आप अपने जिस सिम कार्ड से इंटरनेट का यूज करते हैं तो आपको, तो दोस्तों आपको वो सेटिंग उसी सिम कार्ड में देखने को मिलेगा। जैसे मैं सिम कार्ड वन से इंटरनेट का यूज करता हूँ, तो हम सिम कार्ड वन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोस्तों देखिए जब हम दोस्तों नीचे आएंगे एडवांसड पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इसमें देखिए हमें ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए दोस्तों ये ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग का आपको ऑप्शन तभी मिलेगा जब आपके फ़ोन में उस सिम कार्ड से इंटरनेट ऑन होगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में इंटरनेट ऑन है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर क्लिक करके इंटरनेट बंद कर देंगे, आप देख सकते हैं बंद कर दिया। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो दोस्तों ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग वाला ऑप्शन हट गया, मतलब यहाँ से वो जो है रिमूव हो चुका है। लेकिन फिर देखिए जैसे ही हम इंटरनेट को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये सेटिंग यहाँ पर आ गया है ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग का। तो ये सेटिंग आपको दोस्तों उसी सिम कार्ड में देखने को मिलेगा जिस सिम कार्ड से आपके फ़ोन में इंटरनेट ऑन है, उस सिम कार्ड में जाएंगे और जब आपके फ़ोन में उस सिम कार्ड से इंटरनेट चालू रहेगा तभी ये सेटिंग मिलेगा। अब देखिए इस सेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपके फ़ोन में ये सेटिंग इनेबल रहता है, मान लीजिए इस तरीके से बंद है और अगर आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऑन कर देते हैं, तो देखिए इससे क्या होता है कि अगर आप दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन के दोस्तों कॉल डायलर में जाते हैं और यहाँ पर अगर आप कोई भी नया नंबर डायल करेंगे तो यहाँ पर देखिए वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। अब दोस्तों आप जो है यहाँ वीडियो कॉल पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस नंबर पर वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपके फ़ोन में वो सेटिंग इनेबल रहता है तो आप किसी भी नंबर पर डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए अगर दोस्तों आप अपने उस सेटिंग में जाकर अगर आप दोस्तों देखिए वो सेटिंग बंद कर देंगे, जैसे देखिए ये ऑपरेटर वीडियो कॉलिंग वाला सेटिंग है, चलिए हम यहाँ पर क्लिक करके इसको बंद कर देते हैं। तो जब आप ये सेटिंग बंद कर देंगे तो उसके बाद दोस्तों किसी भी नंबर पर आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, हम जाते हैं डायलर में और दोस्तों अब देखिए हम नया नंबर डायल कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें वीडियो कॉल करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मतलब अब हम कोई नया नंबर पर वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपके फ़ोन में दोस्तों ये सेटिंग ऑन रहेगा तो आप किसी भी नंबर पर डायरेक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं और अगर सेटिंग बंद रहेगा तो किसी भी नंबर पर डायरेक्ट वीडियो कॉल नहीं कर सकते हैं। सो इस तरीके से आप जो इस सेटिंग को यूज कर सकते हैं आप अपने लावा के मोबाइल में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।